पुत्र, अब पूर्ण लगन से तुम्हें पंचाग्नि तप करना होगा। जाओ, शीघ्र स्नान करके आओ और भोग लगाकर पूजा करो और तप प्रारंभ करो। अच्छा माँ, किंतु मुझे बहुत थकान हो रही है माँ। जिन्हें थकान विचलित कर दे उन्हें भगवान प्राप्त नहीं होते पुत्र। कर्म ही जीवन का मर्म है। अथक परिश्रम से तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकोगे। स्मरण रहे, यदि भोजन या निद्रा का विचार भी तुम्हारे मन में आया तो तुम्हें पुनः स्नान करके भोग लगाना होगा, पूजा करनी होगी और फिर अपना तप प्रारंभ करना होगा। उचित है माँ, मैं अभी स्नान करके आया। माँ के वचनों के पालन के लिए बालक विनायक प्रयास किए। निद्रा से लड़ आए करके स्नान, तप स्थल पे प्रयास रख के लगे ध्यान। क्या देख रही हो? उमा, गजानन को बहुत कठिन साधना में डाल दिया तुमने। गौरी, ये तप तो तुमने मुझे पाने के लिए किया था। हाँ स्वामी, जब मेरे वर्षों की तपस्या के बाद भी आप अपने ध्यान से नहीं उठे, तब देवताओं ने आपके हृदय में मेरे प्रति प्रेम जगाने के लिए कामदेव को भेजा और उन्होंने आप पर बाण चला दिया, किंतु आपने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से उन्हें भस्म कर दिया। श्री नारद ने मुझे समझाया कि देवी सती को खोने से विचलित होकर संसार से पूर्ण रूप से विरक्त हो गए हैं आप, इसीलिए कठोर तप से ही आपकी विरक्ति के भाव को मिटाया जा सकता है। मुझे बताया कि पंचाग्नि तप ही है एकमात्र उपाय और मैंने भी ठान लिया कि मैं सभी कठिनाइयों का सामना करूंगी, किंतु इस कठोर तप को अवश्य पूर्ण करूंगी। तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ, कहो क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी इच्छा तो आपको पाने की है मेरे प्रभु, मेरे स्वामी। पार्वती, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम अपने माता पिता के पास उनके निवास स्थान लौट जाओ। उचित समय आने पर मैं तुम्हारा वरण करने स्वयं आऊंगा।
आदि शक्ति जगत जननी हूं मैं, और ये मुझे उस तप को पूर्ण करने के बाद ही ज्ञात हुआ और मैंने आपका सानिध्य भी पाया। किंतु गजानन तो अभी बालक है स्वामी, कहीं मैं उसके साथ आवश्यकता से अधिक कठोर तो नहीं हो रही हूं। आपका पुत्र तो स्वयं परम ब्रह्म है, महागणपति है उमा। वो भी अवश्य इस तप के माध्यम से अपनी कुंडलिनी को जागृत कर अपना वास्तविक परिचय प्राप्त करेगा। हाँ स्वामी, अवश्य सफल होगा वो। मुझे यहाँ से दीपक की लौ दिखाई दे रही है स्वामी। और मुझे गजानन, वो अपने ही तप में लीन है। महादेव ने मुस्कुराकर ऐसा क्यों कहा कि गजानन तो अपने ही तप में लीन है? तो ये था आपका संकेत स्वामी? तप नहीं, वो तो निश्चिंता से फलार कर रहा है। कौन है ये शुक्राचार्य? असुरों के गुरु ऋषि भृगु के पुत्र शुक्राचार्य, जिनकी प्रतिभा देखकर ऋषि अंगिरस ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और अपने पुत्र बृहस्पति के साथ उन्हें शिक्षा प्रदान की। किंतु जब देवता देव गुरु का चयन कर रहे थे तो अंगिरस ऋषि ने पक्षपात कर अपने पुत्र बृहस्पति को अधिक ज्ञानी सिद्ध कर दिया और उन्हें देव गुरु के पद पर स्थापित करवा दिया। किंतु शुक्राचार्य बिना योग्यता के ही असुरों के कुलगुरु नहीं बने। अपने गुरु के पक्षपात से आहत होकर उन्होंने महादेव की घोर तपस्या की। मैं तुम्हें मृत संजीवनी प्राप्त करने का वरदान देता हूँ। जब महादेव के वरदान स्वरूप उन्होंने मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर अपने आप को और भी योग्य बना दिया, तब से अब तक असुरों के कुल गुरु के पद पर स्थित है गुरु शुक्राचार्य। अनेकों बार देवताओं के साथ युद्ध में मृत असुरों को पुनर्जीवित किया है उन्होंने। विजय प्राप्ति हेतु असुरों का मार्गदर्शन किया है उन्होंने। इसलिए आप भी गुरु शुक्राचार्य के शरण में जाइए असुर सम्राट, और उनके सुझाव पर ही अपने आगे की योजना बनाइए। जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा मैं गुरु शुक्राचार्य के पास। गजानन, तुम अपने तप से क्यों उठ गए? और ये फल, ये पूजा की सामग्री? मैं तो साधना ही कर रहा था माँ, फिर मुझे भूख लगने लगी तो मुझसे रहा नहीं गया। किंतु आप चिंता मत कीजिए माँ, भोजन करने के बाद मैं पुनः स्नान कर अपनी साधना प्रारंभ करूँगा। आप निश्चिंत रहिए माँ, मैं पूर्ण कर लूँगा अपनी साधना। पुत्र, बाप के लिए छोड़ा हुआ कार्य कभी पूर्ण नहीं होता। लक्ष्य प्राप्ति के लिए तो
अनेक चुनौतियों से संघर्ष कर उन पर विजय पानी होती है पुत्र। उसके बिना कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी, और चुनौतियां तो कठिनाइयों का रूप लेकर ही प्रस्तुत होती है। कठोर साधना से साध कर ही उन्हें सरल बनाया जा सकता है पुत्र। क्या तुम शक्ति संपन्न नहीं होना चाहते पुत्र? अपनी शक्ति को पहचानो गजानन, उसको साध कर अपने वश में करो। पूर्ण निष्ठा से वो साधना करो गजानन जिसके लिए माता ने तुम्हें प्रेरित किया। होना चाहता हूँ माँ, भैया ने भी मुझसे कहा था मुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। उसके लिए तो तुम्हें ये कठिन तप करना ही होगा पुत्र, क्योंकि सफलता कभी सुगम नहीं होती। उचित है माँ, अब कुछ भी हो जाए मैं अपने तप से नहीं डिगूंगा। माँ, यदि आपकी अनुमति हो तब प्रारंभ करने के पूर्व ये लड्डू और खा लूं। पुत्र, तुम्हारे समक्ष दो मार्ग हैं। एक जिसका परिणाम जीवन भर बिना स्वयं को जाने कैलाश में बैठकर लड्डू खाना, और दूसरा इस कठोर साधना को पूर्ण कर अपने भीतर छिपी अपार शक्ति का परिचय पाना। पुत्र, तुम किस मार्ग पर चलोगे उसका चुनाव तो तुम ही करोगे पुत्र। किंतु इतना स्मरण रखना पुत्र, जो स्वयं को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं वो जगत में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाते। तुम्हारा आग्रज कार्तिकेय देव सेनापति है, भली भांति परिचित हैं देवता उनके समर्थ से, इसीलिए स्वयं देवराज इंद्र उनसे सहायता लेने की गुहार लगाने यहाँ आए थे। वही देवराज इंद्र जिन्होंने देवता के पद पर तुम्हें स्थापित करने के मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार किया था, तुम्हें स्मरण है ना पुत्र? इस संसार में अनेकों बालक है, हम उन्हें सुरक्षित करने मात्र उन्हें देवत्व प्रदान करते। मैं जानती हूँ पुत्र, तुम्हारे भीतर असंख्य दिव्य शक्तियां जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसीलिए मैंने देवराज इंद्र को चुनौती देकर तुम्हें देव पद ही नहीं देवताओं में भी प्रथम पूज्य बनाने का प्रण लिया है। महादेव की अर्धांगिनी सभी के समक्ष ये प्रण लेती हूँ कि मैं अपने पुत्र को इतना योग्य बनाऊंगी कि वो अपने कर्म से देवता ही नहीं बनेगा, अपितु आप सभी देवता उसकी पूजा करेंगे। मुझे तुम पर विश्वास है पुत्र, किंतु यदि तुम भी चाहते हो कि मेरा प्रण सत्य हो, यदि तुम चाहते हो कि सर्व समर्थ बन निर्भय होकर संसार में सत सम्मान जी सको और अन्य जीवों के साथ स्वयं देवराज इंद्र और अन्य देवता भी तुम्हारा सम्मान करें, तो तुम्हें साधना कर अपनी शक्ति को पहचानना ही होगा पुत्र। मेरे पुत्र हो गजानन, तो मेरा मान रखो, तुम्हें सर्व शक्तिमान बनाने के मेरे प्रण को पूरा करो, ये मेरी इच्छा है। किंतु अब सफलता का या सरलता का कौन सा मार्ग चुनोगे तुम, ये निर्णय तो तुम ही को लेना है गजानन। पुत्र गजानन,
पुत्र गजानन। पुत्र गजानन, सूर्यास्त हो गया, संध्या हो चली है पुत्र। संध्या भी हो गई माँ, मुझे तो पता ही नहीं चला। आज की साधना पूर्ण हुई गजानन, अब भवन चलो और भोजन कर विश्राम कर लो पुत्र। बड़ी विचित्र बात है, आज मेरे जीवन में प्रथम बार मुझे भूख का आभास तक नहीं हुआ, आश्चर्य है। इसकी बुद्धि तो नहीं फिर गई है? बुढ़िया सिंगिका, किसके पास ले आई हो मुझे? ये है वो महान गुरु, ये सहायता करेंगे मेरी। ये बुढ़ा जिसके पास मात्र एक ही नेत्र की दृष्टि है, वो भला असुर सम्राट सिंदूरा की सहायता कैसे करेगा? असुर सम्राट, दृष्टि पर नहीं बुद्धि पर ध्यान दीजिए। और इनके ध्यान से उठने के पूर्व ही इनकी मन और बुद्धि को अपने वश में कर लीजिए। आहा, स्वादिष्ट मोदक। नहीं माँ। क्या हुआ पुत्र, तुमने मुझे और मोदक रखने से क्यों रोक दिया? क्योंकि अब मैं कम भोजन करूंगा। अधिक खाने से निद्रा और आलसपन का प्रभाव बढ़ता है। लो पुत्र। बस बस माँ, इतना अधिक नहीं। और थोड़ा लो पुत्र। बस, और नहीं माँ। पुत्र गजानन, भोजन हो गया तुम्हारा? हाँ नानी माँ, हो गया। तो चलो, सोने से पूर्व मैं तुम्हें एक अच्छी सी कथा सुना देती हूँ, जिससे तुम्हारी थकान भी मिट जाएगी और तुम्हें निद्रा पड़ जाएगी। नहीं नानी माँ, कथा सुनने का समय नहीं है मेरे पास, मुझे तो अभी सोना है, क्योंकि अभी नहीं सोऊंगा तो भोर होते ही कैसे जागूंगा। ये तो परिश्रम के बाद की मीठी निद्रा है पुत्र, अब तुम विश्राम कर लो, क्योंकि तुम्हारा तप तो और कठिन होने जा रहा है। महान आचार्य है ये, किंतु हठी है, अपनी बुद्धि के अनुसार ही सब कुछ करते हैं ये, और केवल उसी पर कृपा करते हैं जो इनकी बात सुनता है और मानता है। और मैं तो अपने पिता ब्रह्मदेव की भी बात नहीं मानता हूँ, ये मेरी बात माने और मुझे उचित सुझाव दे, इसलिए मैं इनकी बुद्धि को अपने वश में कर लेता हूँ। असुर सम्राट सिंदूरा
तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम मेरी सेवा करोगे, मेरी सेवा करोगे तुम। जो भी हो तुम, जो ये धृष्टता करने का साहस कर रहे हो, जान लो मैं असुरों का गुरु हूँ और मैं किसी की सेवा नहीं करता। क्या हुआ, उनका मन आपके वश में हुआ कि नहीं? इस बुढ़िया ने कुछ नहीं सुना, अर्थात मेरे मन में प्रवेश कर मुझसे बात की इन्होंने। उचित सोच रहे हो तुम, बहुत अहंकार है ना अपनी शक्तियों का तुम्हें। तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाएंगी जब तुम्हें उनकी सबसे अत्यधिक आवश्यकता होगी।